नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग। और सब अपनी ओत्रीज के ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जिन लोगों ने पहले के एपिसोड नहीं देखे, पहले का एपिसोड नहीं देखा, उनको मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग देहरादून में हैं। और हमारे देहरादून में होने की जो वजह है वो ये है कि शिल्पा की जो नानी है, हम चाहते थे कि वो हमारे ब्लॉग्स देखती हैं। और हम चाहते थे कि हमारा जो परिवार है उसकी सबसे जो छोटी छोटी मेंबर है यानी इशू अपनी परनानी से मिले। तो बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पर आ गए। और वैसे भी शहर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी जो शादी है, मेरी शिल्पा की शादी इसी शहर में हुई थी, और ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और चलिए एक बार फिर से इशू और नानी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे देखने चलते हैं। और लेट्स हैव सम फन, लेट्स गो। क्या बोला दादी, जरा दोबारा बोलो। हाय, खीर खा के कौन खुश हो के आया? इशू ने जो है खीर खाई है, मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया। मैंने कहा अभी खाद खीर खाते हुए क्या खाते हुए अब तो नानी को एकदम पप्पी दे दो यार, एक किच्ची दे दो यार प्लीज। इशू मैं कहती हूँ एक खीर वाली पप्पी दे दे, एक मीठी मीठी पप्पी दे दे यार। किसका फोन ले आया भाई? दादी का। दादी का बहुत मन है इशू उनके पास आ जाए, लेकिन ये इशू है कि मानती नहीं। कुछ कुछ लग तो रहा है उसको। धीरे धीरे पास आ रही है आपके। आई इज वेटिंग सिंस यस्टरडे। जीरो पॉइंट फॉर यू बेबी इन देयर। जीरो पॉइंट कलर आज का अपना जीरो। बेबी शून्य। मुझे खिला दो खीर या कुछ अच्छा मीठा। बेस्ट खा ली ना उसने। अरे तो वहां पे उनको किनसे खिलवानी चाहिए थी ना यार। So, ये दादी का रूटीन है। दादी सुबह अपनी पूजा पाठ ख़त्म करती हैं, नहा धो के रेडी होके पूजा पाठ करके दादी यहीं बैठती हैं और पूरा 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 दिन वो या तो अपने फ़ोन पे या दूसरा उनका गैजेट है वो रिपीट पे ब्लॉग देखती रहती है। पूरा दिन ईशू को देखती रहती है। तो यस, ईशू इज नॉट स्ट्रेंजर टू दादी, है ना? धीरे 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 इशू इज वार्मिंग अप टू दादी। सबसे अच्छे करिए भाई इशू। अभी मिंटू भैया के पास जा रही थी क्या अनचेक करने? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ईशानी जी नमस्ते। आपके से तो गले लग जाएगी वो, बोले कि नहीं तुम्हारा हैंडशेक नहीं चाहिए मुझे। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर, मानिक निधि शर्मा। हमारी प्यारी, इनका नाम है गौरंगी, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं गौरा, गौरी। और इस फैमिली की खासियत ये है
कि राइट जी जरा कैमरा पैन कीजिए, ये जो है खूबसूरत सी नारी आपको हाँ। दिख रही है रेड स्वेटर में, जो हमारी फैमिली की सबसे खूबसूरत औरत है। अच्छा। वो हमारे ब्लॉग्स की व्यूअर है वो ब्लॉग्स देखती है, वो इश्क को देखती है। और ये है मेरी प्यारी भाभी, ये है मेरी प्यारी मौसी, मेरी माँ की बड़ी बहन। आप दोनों बहनों को साथ में देख रहे हैं अगल बगल, और जरा कैमरा लेफ्ट में पैन करेंगे, ये हमारे हैंडसम सबसे बड़े मेरे मेरी फैमिली के सबसे बड़े भाई मानिक निधि शर्मा, मेरे प्यारे मन्नू भैया। और पिस्तु को आप जानती हैं? पिस्तु को तो गौरा जो है इस वक्त अपनी बहन के साथ है। ईशु ने वो किया जो वो करती नहीं है, मिलते ही उसने अपना मखाना अपनी बहन को दिया है। सो ऑफर तो गया है, लेकिन ईशु अभी तो ढक्कन दे रही है वो अपनी बहन को सब कुछ देगी अभी। अभी जी ये क्या हो रहा है? ये क्या फूलदेही है? ये हमारी फूलदेही आई है। अरे वाह, ये लो। अरे वाह, फूलदेही फूलदेही ये भी लगाएगी है ना। अरे वाह, कुरान की दीदी के लिए आई फूलदेही। जय हो फूलदेही। हमारे यहाँ तीन तीन फूलदेही आई है। अरे वाह, की पूजा हो रही है फूल देही। ये एक रिचुअल है यहाँ पर। अरे लक्ष्मी माँ सुनो, नहीं लगा दीजिए कान पे, मैं तो लगाता हूँ कभी कभी। और इस बच्चे का नाम है रोजर। थैंक यू भाभी जी। रोजू को हमारी तू हमारी लक्ष्मी। ओए मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी भी फूल देगी, फूल देगी नहीं। चलो तो बस यूं ही सबसे मिलते जुलते प्यार बांटते हुए आज का दिन ख़त्म होता है। और जो अगला ब्लॉग है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में आप लोग भी आके रह सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स और इसका सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी टूर जो है हम आपको देंगे। तो बस हमें यूँ ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। वी लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ओम नमः शिवाय।